तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे, बताएंगे आपको कि रेलवे में अगर आप जब टिकट को बुकिंग करने जाते हैं, ऑनलाइन आप टिकट को बुकिंग करने जाते हैं, तो आपको वहाँ पे सोचते हैं, सभी कोई सोचते हैं कि वहाँ पे मुझे लोअर बर्थ मिल जाए, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं मिलता है, इसके बारे में ही हम बताएंगे और किनको मिलेगा और किस तरीक़े से आप उपयोग करेंगे ताकि आपको लोअर सीट मिल जाए, कैसे आपको कौन सा उपाय करना है और कौन सा ट्रिक यूज़ करना है, तो दोस्तों को इसी के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को छोड़कर मत जाएगा। वीडियो पर आप नए हो तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं हमेशा यहाँ पे देते रहता हूँ। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, रेलवे की टिकट रिजर्वेशन के दौरान आप अपनी सहूलियत के हिसाब से लोअर बर्थ डालते हैं, लेकिन दोस्त जब रिजर्वेशन कन्फर्म होकर आता है तो आपको पता चलता है कि आपकी सीट मिडल या अपर बर्थ पे है। कई बार ऐसा वरिष्ठ नागरिकों के साथ भी होता है, मतलब बुजुर्गों के साथ भी ऐसा हो जाता है। ट्रेन बुकिंग के समय आप लोअर बर्थ का विकल्प तो चुनते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रिजर्वेशन के बाद उसके नीचे की सीट नहीं मिल पाता है। इसको लेकर IRCTC ने कुछ नियम बताया है, वो नियम को भी आप जान लीजिए। दरअसल हाल में ही IRCTC ने एक ट्विटर पर ट्वीट किया था दोस्तों, और उसमें लोअर बर्थ की बुकिंग की नियम की जानकारी दी थी। इस ट्वीट के मुताबिक सफ़र कर रहे वरिष्ठ नागरिक के लिए लोअर बर्थ कोटा सिर्फ तभी मान्य होगा जब उस व्यक्ति की उम्र 60 साल हो या तो महिला की उम्र 45 साल के ऊपर हो, और उससे अधिक भी हो सकता है, 45 साल से ऊपर अधिक हो सकता है। ठीक है, तो वरिष्ठ नागरिक लोअर बर्थ कोटा में तभी काम करता है। उसमें भी एक कंडीशन है दोस्तों, मान लीजिए वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं वो लोअर बर्थ के लिए कोटा में तभी काम करता है जब वो अकेले हों या तो उनके साथ दो वरिष्ठ, मतलब दोनों 60 के ऊपर वाले व्यक्ति हों, तभी ये काम करता है। मतलब आपको जिस ट्रेन में अगर आप दो या उससे अधिक उम्र में वरिष्ठ नागरिक हैं और सिर्फ एक वरिष्ठ नागरिक है और उसके सामान्य नागरिक भी है, अगर वरिष्ठ जो वरिष्ठ आपके 60 साल के ऊपर है, अगर एक है या तो दो हैं, लेकिन अगर उनके साथ एक सामान्य व्यक्ति भी है, मतलब 60 साल के नीचे का जो व्यक्ति भी है, तो वहाँ पर आपको जो लोअर बर्थ का कोटा होता है वहाँ पर नहीं मिलेगा, आपको मान्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं ही मिलेगा, मिल भी सकता है, लेकिन नियम बोलता है कि वहाँ पर आप क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे क्यों नहीं मिला है, वहाँ पे आपको नहीं भी मिल सकता है। मतलब अगर आपको लोअर बर्थ सीट चाहिए तो टिकट के बुकिंग के समय इन बातों का खास ध्यान देना पड़ेगा। यानी जब कोई वरिष्ठ नागरिक जो कि 60 साल और महिला की उम्र 45 साल से अधिक हो, तभी लोअर बर्थ का कोटा आपको वहाँ पर मिलता है, और जब अकेले सफ़र कर रहे हों तभी वहाँ पे आपको लोअर बर्थ का कोटा मिलता है। अगर साथ में कोई, मैं पहले ही बोला हूँ, साथ में अगर कोई भी व्यक्ति हो, सामान्य व्यक्ति अगर सफ़र कर रहा है तो वहाँ पे नहीं मिल सकता है, आपको वहाँ पे मिलने की गुंजाइश कम हो जाती है। तो जहाँ तक हो सके मैं बोलता हूँ, अगर आप बुजुर्ग का टिकट बुक कर रहे हैं तो उनका अगर सिंगल बुक कीजिए, अगर आप उनके साथ जा रहे हैं तो आप उनका अलग से टिकट बुक कर लीजिए, उनको लोअर सीट वहाँ पे मिल जाएगी। वहीं रेलवे ने कोरोना महामारी के बाद, आपको बता दूँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो ट्रेन में किराए में मिलने वाली छूट है वो भी खत्म कर दिया है। आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे एक लाइक देकर जरूर मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ में। तो गुड बाय बाय।